हेलो फ्रेंड्स, सुनास किटूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम इस तोरण पट्टी डिज़ाइन को बनाना। इसको देखिए, हमने आपको ये आउटलाइनिंग बता दी है, मोतियों को टक करना भी बता दिया है, और इस फ्लावर्स को बनाना, ये इस तोरण को बनाना हमने नहीं बताया है, वही आज आपके साथ हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक गांठ लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम 20 चेन बना लेंगे। ये देखिए, एक गांठ लगाएंगे और 20 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 चेन जब हम बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसको लेके नेक्स्ट 2 फंदे स्किप करके यहाँ पे तीसरे में डाल के ऐसे, ये देखिए, इसको हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। और बाकी हम पूरे चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे, यानी कि पूरी रो को हम एक एक डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करना है लास्ट तक। यहाँ तक पूरा हमको इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है ऐसे, ये देखिए इस तरीके से पूरा हम डबल क्रोशिया से इसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद बताते हैं कैसे क्या करना है, इस तरीके से देखिएगा ऐसे। यहाँ तक पूरा कवर करके फिर बताते हैं। ये देखिए, हमने ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ सिंपल बना के 20 चेन हमने लिए थे, चेनों में हमने सब में डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए क्या करना है उसके बाद। यहाँ से 1 2 2 3 चेन लेके टर्न हो जाएंगे, पलट जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम कितना चेन बना, हाफ डबल क्रोशिया बनाए, डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, तो ये देखिए इसको लेके 4 हो गया, इस चेन को लेके ये 4 हो गया, 4 और 1 5, 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर देखिएगा यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, ठीक। और उसके बाद से 1 2 3 4 5 स्किप करके यहाँ बीच में छठे पे यहाँ पे डाल के, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डाल के यहाँ पे बीचों बीच में इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी जगह पे बना लेंगे 2 2 3 4 और 5, 5 और 1 6, 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे बीचों बीच में। इधर देखिए, हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाया, 5 चेन लिया, फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे। और फिर यहाँ से देखिए 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करने के बाद फिर यहाँ पे हम 5 ही चेन बना लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 और ये 5, ये यहाँ पे देखिए 5। तो हमने 5 देखिए डबल क्रोशिया इधर बना लिए, 5 डबल क्रोशिया इधर बनाए, 5 यहाँ का गैप है, 5 यहाँ का गैप है, और बीच वाले फंदे में हमने यहाँ पे बना लिया है 6 डबल क्रोशिया। अब देखिए, ये बहुत बहुत ही इजी है तोरण पट्टी डिज़ाइन ये वाली। ये देखिए इस तरीके से बना लिया हमने। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और टर्न हो जाएंगे ऐसे, ये देखिए। फिर 1 चेन को लेके ये 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और ये लास्ट में 5, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पे फिर हम 5 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए, हमारा फ्लावर बनाना है हमको, तो जो ये लास्ट वाला चेन है इसमें इसको स्लिप नॉट लगाते हुए ऐसे इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे 1 चेन लेंगे और फिर इसी में डाल के डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, डबल क्रोशिया, 1 1 बना लिया हमने। फिर 2 बना लेना है, 2 3 और 4, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिया। और फिर स्लिप नॉट से ही इसमें इसी जगह पे डाल के ऐसे इसमें से इसको हम जॉइंट करके इसको ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए, हमारी एक पंखुड़ी बनके तैयार हो गई। फिर जस्ट इसके बगल में डाल के यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे
और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक दो तीन और चार, चार डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसी जगह स्लिप नॉट से इसको इसको ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए स्लिप नॉट से ज्वाइंट करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप नॉट लगाते हुए फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पे बुनाई स्टार्ट करेंगे। डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन और फिर इसमें डालते हुए ऐसे स्लिप नॉट से इसको ज्वाइंट करेंगे इसी जगह पे और फिर नेक्स्ट वाले में डालते हुए यहाँ पे देखिए इस जस्ट बगल वाले में फिर इसमें हम बना लेंगे ऐसे ही दो फ्लावर्स और बनाने हैं। तो एक दो तीन चेन लेंगे और फिर देखिए इसी में ऐसे डाल के एक दो तीन और चार, चार बार डाल के चार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर स्लिप चेन से इसी में इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारी पंखुड़ी बनके कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फिर स्लिप नॉट लगाएंगे और निकाल लेंगे, फिर लास्ट वाले में भी डालेंगे ऐसे स्लिप नॉट लगाते हुए और एक चेन बनाएंगे और फिर इसमें भी चार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक दो तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया बना लिया हमने और फिर इसको स्लिप नॉट से इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिएगा ज्वाइंट करेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिएगा कितनी पंखुड़ियाँ बन गई हमारी, इसमें एक दो तीन चार पाँच, पाँच बना लेना है हमें। छः जब हम ये बनाएंगे तो इसमें हमारी पाँच पंखुड़ियाँ बन करके कंप्लीट होंगी। फिर यहाँ पे हम देखिएगा एक दो तीन चार पाँच चेन लेंगे और यहाँ पे फिर पाँच डबल क्रोशिया बनाना है, उसे हम बना लेते हैं। एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर तीन चेन लेंगे। एक दो तीन, तीन चेन लेंगे और टर्न हो जाएंगे। ये देखिए डिज़ाइन की स्टार्टिंग हमारी, कितना फ्लावर प्यारा बना है ये देखिए इस तरीके से। फिर देखिएगा देखिए तीन चेन बना लिया हमने और फिर इसमें डाल के पाँच डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक दो तीन तीन और देखिए चार और एक चेन को लेके पांच, देखिए पांच डबल क्रोशिया हमारे इधर बन गया। और देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच चेन लेंगे और यहाँ पे देखिएगा डबल क्रोशिया करते हुए बीचों बीच जो फ्लावर है हमारा दो इधर और दो इधर छोड़ करके बीचों बीच में डाल के इसको ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो नीचे का प्रोसेस था सेम वैसे ही छह डबल क्रोशिया बना लेंगे एक ही जगह से। तो देखिए एक हो गया, देखिएगा एक दो तीन चार और एक पाँच, तो पाँच डबल क्रोशिया हो गया और एक छः, तो हमारे पाँच फ्लावर बनेंगे इस तरीके से। ये देखिए फिर यहाँ एक दो तीन चार पाँच चेन बनाएंगे और पाँच यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। एक बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। इसमें ज़रा से भी कुछ नहीं करना है हमें, बस गिन के फंदे ले लेने हैं और फ्लावर को बीच में बनाना है और साइड साइड में ऐसे हमें पांच पांच या चार चार या छः छः जितना आपका हो सके उतने आप फंदे रख लीजिए और उसको बुनना है और बीच में फ्लावर हमें बनाना है। एक दो तीन चेन बनाएंगे और फिर टर्न हो जाएंगे। देखिए
फिर इस वाले में फ्लावर बनेगा, जिस तरीके से ये वाला फ्लावर हमने बनाया है सेम वैसे ही फ्लावर बनेगा। तो आप चाहें इसको कई कलर में, मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो मल्टी कलर में, या सिंगल आप एक ही कलर से बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वह आप वैसे बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे, हमारे पास पुराने वून बचे थे इससे हमने टोरन को कई कलर से बनाया है, कलरफुल कर दिया है, वो भी अच्छा लग रहा है। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं, इसमें ये नहीं कि आप ऐसा ही बनाइए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिएगा, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए, आपको एक बार और बता देते हैं फ्लावर कैसे बनेगा, बहुत ही इजी है। इसी डिज़ाइन का हमारे पास, हमने अपने चैनल पे थालपोस की डिज़ाइन भी अपलोड कर रखी है, अगर आपको इस तरीके का थालपोस चाहिए फ्लावर वाला तो वो भी हमारे चैनल पे मिलेगा, आप वहाँ से उसको देख करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, और देखिए जो हमारा ये फर्स्ट वाला चेन है इसमें, ये देखिएगा फर्स्ट वाला चेन, ये इसमें डालते हुए यहाँ पे स्लिप नॉट लगा लेंगे इस तरीके से, देखा आपने। और वहाँ पे एक चेन लेंगे और यहाँ से देखिएगा, ये 1 2 3 और 4, आप चाहे तो 4 लीजिए, 3 लीजिए, 2 लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, 5 भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पंखुड़ियाँ चौड़ी रखनी है तो। ये देखिए, फिर नेक्स्ट बगल में डाल के यहाँ पे स्लिप नॉट लगा के, और फिर यहाँ भी हमें पंखुड़ियाँ बना लेनी है, तो डबल क्रोशिया बना लेना है 4 टाइम, 4 टाइम्स बना लेना है। तो चेन को लेके 3 हो गया और ये 4, तो हमें कुल यहाँ पे भी 5 पंखुड़ियाँ बनानी है। बीच वाली पंखुड़ी पे डिज़ाइन बनेगी और बाकी हमारी 2 इधर और उधर रहेंगी। तो ये देखिएगा इस तरीके से, 2 3 4 और ये 5, 4 ही बनाना है, 5 नहीं बनाना है, और यहाँ पे स्लिप नॉट से ज्वाइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे, 3 पंखुड़ी हमारी बनके कंप्लीट हो गई है देखिए। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम ऐसे 1 2 और ये 3 ऐसे 3 टाइम्स बना लेंगे, और ऐसे ये देखिए, ये देखिए, फिर नेक्स्ट में डाल के ऐसे 1 2, और फिर यहाँ भी हम 2 या 3 जितना बनाना चाहें 4 बना करके स्लिप नॉट लगा देंगे, तो पंखुड़ियाँ हमारी तैयार इसी तरीके से होंगी। बहुत इजी बनाना है ये वाला फ्लावर, ये देखिएगा इस तरीके से। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 चेन बना करके, और ये 5 हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा 2 3 4 और एक यहाँ पे 5, ये देखिए इसी तरीके से हमारा ये देखिए इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से आप जितना बड़ा चाहें टोरन पट्टी बना सकते हैं, जितना छोटा चाहें बना सकते हैं, सेम यही प्रोसेस रहेगी। जितने फंदे डाल के आप देखिए, बीच वाले में डिज़ाइन पड़ेगी यहाँ पे और 2 इधर रहेंगी पत्तियाँ, इसी तरीके से बनेगा ये टोरन। देखिए यहाँ से देखिए स्टार्टिंग से, आप ये देखिए स्टार्ट हमने किया यहाँ से, बीच वाले से देखिए हमारा फ्लावर बनते हुए चला गया है, और ये देखिए इसी तरीके से सेम प्रोसेस हमने बता दिया आपको, ऐसे ही बनेगा ये टोरन पट्टी का डिज़ाइन। ये देखा आपने, इसी तरीके से बनेगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर, थैंक यू।